दोस्तों आज हम बात करेंगे पंजाब की कैटरीना कैफ कही जाने वाली शहनाज गिल के बारे में। शहनाज आज इतनी फेमस है वो तो सबको दिखता है, पर इसके पीछे की जिंदगी उन्होंने कितने दुख और तकलीफों के साथ गुजारी इस बात का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शहनाज की लाइफ के बारे में वो सब बातें जो शायद ही आप जानते होंगे, जैसे शहनाज ने अपने करियर की शुरुआत कब और कैसे की, और साथ ही जानेंगे कि क्या सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ के बाद शहनाज की जिंदगी में किसी की एंट्री हुई है, क्या शहनाज अब भी किसी के साथ रिलेशनशिप में है। तो इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना समय बर्बाद किए। 27 जनवरी 1993 को ब्यास अमृतसर पंजाब की एक मिडिल क्लास सिख फैमिली में एक लड़की का जन्म हुआ जिसे हम शहनाज गिल के नाम से जानते हैं। शहनाज का पूरा नाम शहनाज कौर गिल है। शहनाज की फैमिली में इनके मम्मी पापा और एक भाई है। शहनाज ने अपनी ग्रेजुएशन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा से कम्प्लीट की है। शहनाज को बचपन से डांस और एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक था और इसी को उन्होंने अपना प्रोफेशन बनाया। चलिए बात करते हैं शहनाज गिल के करियर के बारे में। तो शहनाज ने अपने करियर की शुरुआत साल 2015 में की थी। शहनाज कई मॉडलिंग कंटेस्ट में हिस्सा ले चुकी है। शहनाज ने साल 2015 में आई सॉन्ग शिव दी किताब से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद साल 2016 में पांजे दी जट्टी में शहनाज गिल को देखा गया। इसी के साथ शहनाज ने सरपंच और बरबरी जैसे सॉन्ग्स में अपनी आवाज भी दी है। शहनाज ने कई पंजाबी सॉन्ग्स में काम किया और फिर साल 2019 में उन्होंने सरगुन मेहता, जॉर्डन संधू और बिनू ढिल्लो के साथ अपनी पहली पंजाबी फिल्म काला शाह काला में काम किया। पंजाबी सॉन्ग्स और फिल्म में काम करने के बाद शहनाज ने बिग बॉस का रुख किया। शहनाज ने साल 2019 में बिग बॉस सीजन 13 में एंट्री की। बिग बॉस में शहनाज की रैंक 3rd आई, यानी शहनाज टॉप 3 कंटेस्टेंट में शामिल थी। साल 2020 में शहनाज को चंडीगढ़ की मोस्ट डिजायरेबल वुमेन भी घोषित किया गया और इसी के साथ शहनाज को कई अवार्ड्स भी मिले हैं जिनमें बेस्ट आइडल अवार्ड भी शामिल है। चलिए अब बात करते हैं शहनाज गिल के रिलेशनशिप के बारे में। तो दोस्तों शहनाज गिल पहले बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की गर्लफ्रेंड थी। सिद्धार्थ की डेथ हो चुकी है। सिद्धार्थ की डेथ के बाद शहनाज बिल्कुल टूट चुकी थी और काफी दिनों बाद शहनाज ने दोबारा मूव ऑन किया। लेकिन हाल ही में कहा जा रहा था कि सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में अपने को एक्टर राघव जयाल को शहनाज डेट कर रही है, लेकिन शहनाज ने किसी भी इंटरव्यू में इस बात को कन्फर्म नहीं किया है। शहनाज के साथ साल 2019 में एक कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी जब उन्होंने अपने मेकअप कलाकार के साथ मिलकर लाइव स्नैपचैट वीडियो पर हिमांशी खुराना के गाने आई लाइक का मजाक उड़ाया था, जिसके बाद हिमांशी खुराना ने शहनाज की कई सारी बातों का खुलासा किया जिनमें रिलेशनशिप से लेकर कई तरह की बातें थी। लेकिन रिलेशनशिप के बारे में शहनाज ने किसी भी इंटरव्यू में कोई भी बात कंफर्म नहीं की है और वो अभी सिर्फ अपने करियर पर फोकस कर रही हैं। तो ये थी पंजाब की कैटरीना कैफ कही जाने वाली शहनाज गिल की छोटी सी कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।